हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय राउत। सो दोस्तों, आज 1 जनवरी है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आज 1 तारीख था और 1 तारीख को ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पूरी तरीके से जो एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, 4 शिफ्ट में ये पूरे एग्ज़ाम हुए हैं और चारों शिफ्ट आज पूरा कंडक्ट करा लिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, क्योंकि मैंने भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए मैं भी गया हुआ था, और कैसा मेरा एग्ज़ाम गया, मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू क्या था, मैं पूरा आपको बताऊंगा कि कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न था, क्या पुराने जैसा सिलेबस था, मतलब जैसा पुराना सिलेबस था क्या वैसे ही एग्ज़ाम पूछा गया था, या आपकी बार जो सिलेबस जारी किया गया था क्या उसी पे पूरा एग्ज़ाम आया था पूरी तरीके से, क्या मैथ का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, जीएस का सेक्शन, कौन सा टफ था, कौन सा हार्ड था, कौन सा एवरेज था, ये पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी जिनके भी एग्ज़ाम अभी बाकी हैं, कम से कम 1 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा एग्ज़ाम, अभी जितने भी कैंडिडेट के एग्ज़ाम बाकी हैं, जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हर एक वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, ठीक है। देखिए, जहाँ तक मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ तो आज मेरा जो एग्ज़ाम था वो 1 बजे वाले शिफ्ट में था, जैसे 1 बजे जो रिपोर्टिंग टाइम था, अब मे भी मेरे ख्याल से वो थर्ड शिफ्ट था, क्योंकि इससे पहले 11:30 बजे से लेकर 12:35 तक बच्चे लगभग एग्ज़ाम दिए हैं, फिर मेरा जो शिफ्ट था वो 1 बजे वाले शिफ्ट में था। मेरे एडमिट कार्ड पर लिखा था कि 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम, उस शिफ्ट वाले में मेरा पेपर था, मतलब थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था, ठीक है। तो उसमें जब मैं एग्ज़ाम देने गया, नर्वस तो मैं था ही, क्योंकि तैयारी तो अच्छी खासी थी, लेकिन जो IBPS लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है तो इसमें भी काफ़ी माइनस मार्किंग तो रहता है और एग्ज़ाम काफ़ी टफ आता है। मैंने पुराना भी पेपर देखा था, इसके साथ साथ मैंने टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन लगाया था, अड्डा 247 इससे भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, जम के प्रैक्टिस किया था। और मैं आज एग्ज़ाम देने गया, नर्वस था लेकिन हौसला था अंदर से, तो गया मैं एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा देने के लिए, ठीक है। जैसे मैं अंदर गया तो जब पूरी तरीके से जब एग्ज़ाम चालू हुआ तो मालूम चलता है कि सबसे पहला जो मेरा जो सेक्शन खुलकर आता है वो इंग्लिश का खुलकर आता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश का पेपर कैसा था। देखिए, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का जो सेक्शन था वो आपका डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट, या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हम कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेरे वाले में था, ठीक है, कंप्रीहेंशन भी आया था, क्लोज टेस्ट भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, इन सब के साथ साथ ग्रामेटिकल इरर वाले क्वेश्चन, काफ़ी ढेर सारे ग्रामेटिकल इरर वाले क्वेश्चन थे, मतलब पूरी तरीके से अगर एवरेज हम कहें तो टोटल 25 क्वेश्चन में से मैंने इंग्लिश का टोटल 20 क्वेश्चन मैंने लगाया, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ग्रामेटिकल इरर वाले क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे अच्छे थे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे कि कौन सा क्वेश्चन इन सभी में सही लिखा गया है, कौन सा क्वेश्चन सभी में सही लिखा गया है, ये वाले भी क्वेश्चन काफ़ी आए थे। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे इंग्लिश का पेपर काफ़ी अच्छा था, डिफिकल्ट टू एवरेज क्वेश्चन था, तो मैंने लगभग 20 क्वेश्चन के अराउंड मैंने कंप्लीट किया है। और जो भी 1-2 क्वेश्चन मैंने तुक्का भी मारा है, क्योंकि बिना अगर तुक्का नहीं लगाए मुझे ऐसा डाउट लग रहा था, तो मैंने 1-2 क्वेश्चन तुक्का लगाया, बाकी और सब मैंने पढ़कर ही दिया था। तो इंग्लिश का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ठीक है। जहाँ तक अगर बात करें, फिर मेरा जो दूसरा सेक्शन खुलकर आया वो मेरा खुलकर आया था रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग का जो मेरा खुलकर आया, तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे, काफ़ी डिफिकल्ट थे। जहाँ तक मैं रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग का जो सेक्शन था वो टफ टू इजी था, ठीक है, टफ टू मॉडरेट लेवल का था, जिसमें मैं से रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, बहुत ही कठिन क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जल्दी सॉल्व भी नहीं हो पा रहे थे। मतलब एक होता नहीं है कि अगर आपने कंप्लीट तैयारी की हुई है बैंकिंग की तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अगर आप SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हो और आप कुछ दिन के लिए आप बैंकिंग का पढ़ कर जा रहे हो तो आपको डिफिकल्ट तो थोड़ा लगेगा ही, लेकिन ये 10 क्वेश्चन जो थे रीजनिंग के वो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के थे, और बाकी 15 क्वेश्चन इजी थे। 15 क्वेश्चन इजी मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उसमें सीरीज के भी कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, सिलोगिज्म से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था मेरे वाले में, ठीक है, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इक्वालिटी वाले से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इससे भी क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी जितना क्वेश्चन जो सीरीज वाले क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिले उसको मैंने किया, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट थे तो उसको भी मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा, उसको मैंने लगाया। तो टोटल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो टफ था पूरी तरीके से, ये सेक्शन काफ़ी टफ था। और इंग्लिश का भी अगर मैं कह सकता हूँ तो टफ टू मॉडरेट लेवल था। जहाँ तक फिर थर्ड सेक्शन जो मेरा मैथ खुलकर आया, मैथ में 10 क्वेश्चन काफ़ी टफ था,
इसमें भी 10 से 10 to 12 क्वेश्चन काफ़ी टफ टफ क्वेश्चन थे, लेकिन जो 15 क्वेश्चन बाद लास्ट के जो मिले अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट थे तो 15 क्वेश्चन जो लास्ट का मिला जैसे सीरीज़ का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, सीरीज़ का क्वेश्चन वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। इन सब के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन अच्छे थे, बॉडमॉस मतलब उसी में ही पूरा ये सब क्वेश्चन आया था, जल्दी से लगाते चला गया, परसेंटेज के भी कुछ क्वेश्चन थे, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो ये काफ़ी नंबर मेरा गेन किया होगा लगभग। तो इसमें सीधी सीधी एवरेज अगर मैं बात करूँ तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी जो 1 बजे वाले शिफ्ट में था काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का था, ठीक है। लेकिन जीएस जब सेक्शन खुलकर आया, जीएस बहुत इजी सेक्शन था, हलवा क्वेश्चन देकर गया, मतलब समझ लीजिए जो कैंडिडेट एसएससी रेलवे तैयारी कर रहा है वो 25 में 25 मार्क कराएगा, हर एक क्वेश्चन को लगा कर आएगा, 25 में 25 क्वेश्चन वो लगा कर आएगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन था कि वही आपका मेरिट बना देगा पूरी तरीके से 100%। बहुत इजी क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन मैं पढ़कर बता रहा हूँ कि मेरे सेक्शन में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। सबसे पहले एक जो क्वेश्चन आया था, अशोक स्तंभ का जो शेर होता है ना, 4 3 शेर दिखाई देते हैं, 1 शेर पीछे होता है, वो अशोक स्तंभ का जो शेर है वो कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ से लिया गया, सभी को मालूम है, ये क्वेश्चन आया था। इन सब के साथ साथ पानीपत का 2nd युद्ध, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, वो कब हुआ था, 1556 में, ये पूरा सन आया था, मतलब ये सोच लिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया था। बहुत इजी है जी आया था। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था। मतलब सीधी सी बात करें, अगर आपने रेलवे की तैयारी अगर आप कर रहे, स्पीडी अगर आप पढ़ उसी से पूरा पढ़ के चले जाइए, पूरा पेपर आपका निकल जाएगा जीएस का। इन सब के साथ साथ नीति आयोग का जो परमानेंट जो सदस्य बनाए गए हैं, पूर्णकालिक सदस्य, अरविंद करके एक उन्हीं का एक नाम था, वो ऑप्शन में था, वो क्वेश्चन आया था, ये करंट से क्वेश्चन था। इन सब के साथ साथ विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आया था, साइट्रिक अम्ल भी दिया था, लैक्टिक अम्ल भी दिया था, एस्कार्बिक एसिड भी दिया था, तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर उसके बाद मास ऑफ एसआई यूनिट, मास का एसआई यूनिट आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर UJJBY का फुल फॉर्म पूछा गया था, मतलब उज्ज्वल ज्योति जीवन बीमा योजना, एक योजना का फुल फॉर्म पूछ लिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इन सब के साथ साथ भारत में अभी तक, अब 2022 के अकॉर्डिंग कितने सार्वजनिक बैंक हैं, कितने सरकारी बैंक रह चुके हैं, तो 12 13 14 ऐसे करके दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये। इन सब के साथ साथ जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी, 8वीं 9वीं 4थी रैंक थी, और यही पूरा दिया हुआ था, ठीक है, तो ये आया था। इन सब के साथ साथ सबसे जो आज मैं सुबह करंट अफेयर का वीडियो एक देख रहा था एक टीचर्स का, उससे क्वेश्चन आ गया, मतलब 2023 में गणतंत्र दिवस पर हमारे देश के अतिथि कौन होंगे, तो मिस्र के राष्ट्रपति ही होंगे, तो वो क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। इन सब के साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप अभी जल्दी फाइनल हुआ है पूरी तरीके से, अर्जेंटीना जीता है फ्रांस को हरा के, तो फीफा वर्ल्ड कप कौन सा देश आयोजन करा रहा है, तो कतर इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन आ गया था। इन सब के साथ साथ कुंडन कुल्लम परमाणु संयंत्र ये कहां पर है, तो ये देखिए ये आ गया था, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु आंध्रा इसी में मैं डाउट में था, तो देखिए ये कुंडन कुल्लम परमाणु संयंत्र परियोजना ये पूरी तरीके से ये कहां पर है, ये क्वेश्चन आ गया था। इन सब के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सदस्य कौन थे, विमेशचंद बनर्जी, ये क्वेश्चन आ गया था। मतलब कहा जाए ना, तो अगर आपने स्पीडी पढ़ा हुआ है रेलवे का, आप 100% पूरा क्वेश्चन लगा कराओगे। अब करंट अफेयर के लिए आपने करंट अफेयर की ही स्पीडी पढ़ ली, या रुकमणी का स्पीडी, रुकमणी पढ़ लिया पूरा करंट अफेयर का, आराम से आपका पूरा जीएस 25 में 25 आपका होकर रहेगा। इन सब के साथ साथ भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, उसमें आपका सी राजगोपालचारी नहीं था, बाकी अंग्रेजों का नाम था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, ठीक है, तो इन्हीं लोगों का नाम था, लॉर्ड माउंटबेटन ही राइट आंसर होगा, वो आया था, बहुत इजी आया था। इन सब के साथ साथ आर्टेमिस मिशन जो नासा भी जल्दी ही कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो किस ग्रह के लिए कर रहा है, तो ये अभी हम लोगों ने जल्दी ही पढ़ा था, ये शायद मंगल ग्रह के लिए इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया था, तो ये क्वेश्चन आया था। इन सब के साथ साथ इंद्रधनुष में कौन सा रंग पाया जाता है, बताइए, 7 कलर जो होता है इंद्रधनुष में, बिग्योर, उसी को पूरा दे दिया था, आप पूरा कलर देखिए, लगभग ऑल ऑफ दिस उसका आंसर था, पूरे कलर मैच कर रहे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ये क्वेश्चन आया था नदियों से रिलेटेड। इन सबके साथ साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि भारत में दुग्ध के क्षेत्र में भारत बहुत आ गया, इस समय भी आ गया, पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है, इसमें दुग्ध मिशन के संस्थापक कौन है भारत में, ये आया था, वर्गीज कुरियन था, MS स्वामीनाथन था, सैम प्रतोदा था, और एक लोगों का नाम दिया था, तो ये आया था आपका। इन सब के साथ साथ सबसे ऊंचाई पर भारत में पोस्ट ऑफिस
किस राज्य में है, किस राज्य के शासित प्रदेश में है। तो मुझे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में डाउट लग रहा था, लद्दाख मैंने राइट आंसर टिक किया हुआ है। तो सबसे ऊंचाई पर लद्दाख ही है, तो ये आया था सबसे ऊंचाई पर भारत में पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है। तो ये जीएस के टोटल जितने भी क्वेश्चन लगभग मैंने 20 क्वेश्चन लगभग मैंने बता दिया है, 20 या 19 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन लगभग मुझे मिल रहे थे। और इन सबके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी मैं बताना भूल गया, एक क्वेश्चन आया था कि जो हम लोग का जब जैसे किसी आदमी का बोन वोन फ्रैक्चर हो जाता है, जो प्लास्टर लगाई जाती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या पड़ा रहता है, तो जिप्सम पड़ा रहता है, जिप्सम जो ठोस कर देता है चूने को, वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जो टोटल ये 20 क्वेश्चन अभी तक मेरे माइंड में जितने भी थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इतने क्वेश्चन सोच लीजिए आपके पूरे आए थे जीके जीएस मिला के, 20 क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी ये बता दिया है, 5 क्वेश्चन और भी थे वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब कह सकते हैं तो जीएस का लेवल बहुत इजी था। तो जितने भी दोस्तों का अगर आने वाले समय में मतलब 2, 3, 4, 5 इधर अगर एग्ज़ाम है, तो आप पूरी तरीके से रीजनिंग मैथ का प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इसमें 25 में अगर आप 15-15 दोनों में कर ले रहे हो, 15-15 नहीं एक टारगेट रख लीजिए, 17-17 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हो, और जीएस में मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने स्पीडी अच्छे से पढ़ा हुआ है, स्पीडी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो 25 में 25 आप कर कराओगे। ये दोनों अगर आप जोड़ लोगे 55 क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया। और इंग्लिश में जहाँ तक कोई भी स्टूडेंट 15 से 17-18 क्वेश्चन के बीच में नहीं कर कर आता, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं क्लोज टेस्ट में, बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, तो लगभग आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर ले जाओगे। तो जीएस का क्वेश्चन जो अब की बार जीएस का सेक्शन था, ठीक है, 1 बजे वाले शिफ्ट में काफ़ी ईजी था, बहुत ईजी था। तो मैंने तो टोटल जो मैं लगा कर आया हूँ एवरेज टोटल 79 क्वेश्चन मैंने पूरा टिक किया करके मैं आया हूँ, 79 क्वेश्चन 100 में 79, क्योंकि माइनस मार्किंग भी था इसलिए मैंने ज़्यादा तुक्का भी नहीं लगाया, 1-2 क्वेश्चन मैंने तुक्का लगाया और बाकी जितना मुझे आ रहा था मैंने वो पूरा कंप्लीट किया। तो जितने भी दोस्तों का अभी वीडियो है, अभी एग्जाम है, ठीक है, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आइए पूछिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूँ तो अब मैं जितने भी एग्जाम होंगे इधर FCI से रिलेटेड सभी के वीडियो पर डे मैं बनाता रहूँगा, किसी का 20 का होगा, किसी का 21 का एग्जाम होगा, उन सभी के लिए मैं बनाता रहूँगा वीडियो कंप्लीट, ठीक है। और FCI से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आती है इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले, #हमारी अकेडमी ऑफिशियल।